ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। केवल सुना नहीं रहो, लेकिन मैं जब ज्ञान में आया, लास्ट में मैं आपको अनुभव सुनाऊंगा। मैं कैसे, मुझे 11 साल तक स्कूल में नहीं गया था। 11 साल के बाद स्कूल में गया, टीचर ने पहले दिन 5वीं कक्षा में बिठाया। रोज जब जाना शुरू किया, घर वालों ने मना किया, अपने पास पैसा नहीं। तो मैं क्या करता था, रद्दी से डायरी लाता था, पानी से धुलाई करके फिर लिखता था। तो एक दिन आया, उसी रद्दी में ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला, उसी से ज्ञान में आए। और 2 साल ऐसे ही उस किताब के माध्यम से ज्ञान में चले। 2 साल के बाद जब बड़े शहर में गए थे, तो वहाँ एक गीता पाठशाला थी। तो पहले दिन मैं वो गीता पाठशाला में गया। जब गीता पाठशाला में गया तो उस समय मुरली चल रही थी। वो पूरी मुरली, आत्माभिमानी बनो, बच्चे आत्मा समझो, एक एक लाइन में बाबा ने आत्मा के ऊपर पाठ पक्का किया था। और दूसरा, बाप को याद करो। ये तब मैं बाहर आने के बाद मुझे लगा, यहाँ का मूल लेसन है आत्मा। मैंने बाहर जाकर के अपने हाथ पर लिख करके रख दिया, यहाँ लिखा हुआ है मैं आत्मा हूँ। यहाँ भी लिखा मैं आत्मा हूँ। और मैंने और कुछ नहीं, ये 2 बातों का पुरुषार्थ किया, आत्माभिमानी और योग। और इसी से आज मधुबन में महारथी तक पहुंच गए। ये 2 बातों का पुरुषार्थ प्रैक्टिकल में किया। अगर आप भी ये 2 बातों का पुरुषार्थ करेंगे, आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी।